विशेष तौर पर आज की जो एपिसोड है, एक डॉक्टर से मुलाकात की गई, डॉक्टर फैजुद्दीन अंसारी। हम आपको बता दें कि फैजुद्दीन अंसारी जो कि पेशे से बच्चों के डॉक्टर हैं, ये काफ़ी डिग्रियां हासिल किए हैं। इनसे जब हमने मुलाकात की, विशेष तौर पर जो पूरे देश और दुनिया में संकट की तरह मंडरा रहा है कोरोना वायरस, आखिरकार कोरोना वायरस है क्या, कोरोना वायरस कहाँ से पैदा हुआ, कोरोना वायरस लोगों तक कैसे फैल रहा है, कोरोना वायरस को हम कैसे रोके, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जब डॉक्टर फैजुद्दीन अंसारी से हमने बातचीत की तो उन्होंने अपने वक्तव्य में इसके बारे में जानकारी दी। और साथ ही साथ जिस तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है, घरों से लोग बाहर निकल रहे हैं, उन्हें भी संदेश दिया गया कि आप अपने घर से बाहर ना निकलें। डॉक्टर फैजुद्दीन अंसारी हमारे चैनल से वार्तालाप किए और जानकारी दी, विशेष तौर पर कोरोना वायरस को लेकर। देखिए इस विशेष रिपोर्ट को। डॉक्टर साहब, जानकारी देंगे कि कोरोना वायरस है क्या, इसके बारे में आप बताएंगे, आपके जानकारी से आपको क्या मालूम है कोरोना वायरस के बारे में? सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं डॉक्टर फैजुद्दीन अंसारी, मैं बच्चों का खून कैंसर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं भिवंडी के एम्पैथी हॉस्पिटल जो बाकफीदुल मस्जिद के पास है और मुंबई में NHSRCC चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो कि हाजी अली में वाक़ है, वहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ। सो कोरोना वायरस जो ये एक एक्चुअली जो हम लोग ने अभी जो कोरोना वायरस जो आया है, पहले भी कोरोना वायरस थे, कोरोना वायरस के फैमिली के बहुत सारे वायरसेस थे, बट अभी जो कोरोना वायरस है ये नोवेल कोरोना वायरस बोला जाता है, मतलब ये नया कोरोना वायरस है। जो पहले के कोरोना वायरस से ये म्यूटेंट होकर नया वायरस आया है, जिसके बारे में अभी बहुत सारी रिसर्च और जानकारी हासिल करना अभी भी बाकी है। इसके बारे में आपको क्या मालूम है, मतलब कैसे तो, कैसे इसका लक्षण कैसे पाया जाता है? हाँ, तो कोरोना वायरस जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो हम देखते हैं कि जो दूसरे वायरस होते हैं, जैसे फ्लू, हमारे हमको सर्दी खांसी होती है, फ्लू होता है, वो भी एक वायरल इन्फेक्शन होता है। बट ये जो कोरोना वायरस है, ये वायरस के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई इसका पेशेंट रहता है तो उसके अंदर मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी, मतलब जो मौत है, डेथ है, वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे इन्फेक्शन में। इसमें क्या होता है कि एज़ पर दी गवर्नमेंट गाइडलाइन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइन, इसमें सिम्टम्स माइल्ड और सीवियर होते हैं। माइल्ड सिम्टम मतलब आपको बुखार हो सकता है, सर्दी, खांसी, बदन दर्द, सर दर्द, किसी किसी को उल्टी, और सीवियर इन्फेक्शन में आपको बहुत हाई ग्रेड फीवर होगा, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी और बहुत ज़्यादा खांसी होगी। तो ये सब जो सिम्टम्स है, ये एक जैसे फ्लू, एक नॉर्मल जो सर्दी खांसी या फ्लू का जो बुखार होता है, ये उसी तरह है। तो सिम्टम सेम है, इसलिए गवर्नमेंट जो कह रही है कि हमको आइसोलेट होना है, ये बहुत ज़रूरी है इधर के। लेकिन जहाँ तक कि लोगों के अंदर एक से डर सा है कि कोरोना वायरस जो है ज़्यादा खतरनाक है, क्या कहना चाहिए, क्या मतलब से डर जो है, डर जो लोग लोगों के मन में डर सा फैला हुआ है कोरोना वायरस को लेकर, काफ़ी क्या राय है? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा डरना या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़रूरत है एहतियात करने की। आखिर ये होता कैसे है, सबसे इम्पोर्टेंट हमको ये समझना होता कैसे है। जब किसी को, सपोज़ कोई अगर कोरोना वायरस पेशेंट, नॉर्मली लोगों के दिमाग में ये है कि जब पेशेंट बहुत सीरियसली इल होगा, बहुत ज़्यादा बीमार होगा, तो ही उससे इन्फेक्शन फैलेगा, एक गलत बात है। इन्फेक्शन इस वायरस से ऐसा है कि आपके अगर आपके अंदर कोरोना वायरस है, आपको हो सकता है बहुत माइल्ड सिम्टम्स हो, जैसे मैंने कहा बुखार, खांसी वगैरह हो, बदन दर्द हो, या कभी कभी आपके अंदर सिम्टम्स नहीं भी रह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या होता है कि जब हम छींकते हैं, स्नीज करते हैं या खांसते हैं, तो इसलिए अभी गवर्नमेंट कह रही है कि आप टिश्यू पेपर रखो, या फिर आप अपने बगल जो एल्बो में छींको करके, हाथ में ना करो, क्योंकि ये ड्रॉपलेट से या एरोसोल से फैलता है। तो ड्रॉपलेट्स हमारे हाथ में आ गए, अब ये मेरा हाथ, मैंने आपसे हाथ मिलाया तो आपको हो जाएगा, या फिर मैंने कोई हार्ड सरफेस पे रखा, या फिर घर में हम लोग जो दरवाज़ा खोलने के लिए खींच ये रहता है उसको भी करें, तो उसमें वो घंटों कोरोना वायरस उसमें रहता है। अब वो सरफेस को जो जो टच करेगा, या उस दरवाज़ा खोलने वाले जो जो टच करेगा, तो हर एक को कोरोना वायरस उस हो सकता है, या वो कोरोना वायरस की बीमारी में मुब्तला हो सकता है। इसलिए हम लोगों को जो प्रिकॉशन लेना है वो बहुत ज़रूरी है, जो गवर्नमेंट वही कह रही है कि बार बार हैंड वॉश करो, तो हैंड वॉश करना इसमें बहुत ज़रूरी करके। आपकी क्या राय है मतलब कोरोना वायरस को लेकर, और जिस तरह से देखा जाए गवर्नमेंट जो है लोगों से अपील भी कर रही है कि घर के बाहर ना निकले, घर के भीतर रहे परिवार के लिए, तो आप क्या जनता से अपील करना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से? देखो, आपके चैनल से माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा, क्योंकि मैं डेली बॉम्बे आता जाता हूँ और मैं देख रहा हूँ
हर जगह पे गवर्नमेंट के होर्डिंग बोर्ड में सिर्फ कोरोना वायरस के बारे में ही लिखा गया है। बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट, खासकर पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। अब बचा है हम एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हम एक जो भारत के शहरी है, हम क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम लोग इससे डरे ना, पैनिक ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम एहतियात भी करें। हम लोग क्या है, हम लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं। तो एहतियात क्या करना है कि भाई हम एक लिस्ट बनाओ कि हफ्ते भर 10 दिन का राशन में हमको क्या लगने वाला है। एक बंदा जाए घर से, वो पूरा राशन लेकर आए, बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर घर में कोई एक बंदा ऐसा रहे जो उस चीज़ को मॉनिटर करे कि भाई हाँ ये मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे घर में हर कोई हर घंटा हैंड वॉश कर रहा है कि नहीं, कोई बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसी तरह जैसे अपना घर आप देख रहे हो, उसी तरह आप अपना बिल्डिंग, अपनी गली, अपना मोहल्ला देखो। हम देख रहे हैं भिवंडी में कि पूरा एक जमघटा जैसे मेला जैसा लगा हुआ है, और गवर्नमेंट का बोलना है कि हम 4 फीट का डिस्टेंस रखो। अमेरिका में बोला जा रहा है 6 फीट का डिस्टेंस रखो, लेकिन हमारे इधर तो बैठ के हंसी मजाक मस्ती सब चल रही है। पुलिस आती है, सब भाग जाते, डिस्पर्स होते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि जैसे पुलिस एक एरिया से थोड़ा आगे बढ़ती है, 2 मिनट में सारे लोग फिर वापस जमा हो जाते हैं। तो ये खासकर हमारे शहर भिवंडी में ये बहुत बुरा हाल है। मैं मतलब अगर इस चीज़ से हम बचेंगे नहीं, खुदा ना खास्ता अगर एक भी कोरोना वायरस का पेशेंट आता है, तो भिवंडी में मैं बोलता हूँ कि हज़ारों की संख्या में डेथ होगी, जो हिसाब से हम लोगों का जो एटीट्यूड और बिहेवियर है। और मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपके किसी रिश्तेदार दोस्त को मालूम पड़ेगा कि आप कोरोना वायरस में बीमार हो, आपको कोई मिलने भी नहीं आएगा, देखने भी नहीं आएगा, भूल जाओ कि आपके अंतिम संस्कार में कोई आएगा। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है और हम लोग को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। हम लोग सीरियसली बिल्कुल नहीं ले रहे इसको। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़। धन्यवाद।